वार्षिक उत्सव आयोजन किया गया है, फिर भी कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए हमने ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया है। प्रवीण शिक्षा निकेतन का वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों व छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी प्रस्तुतियां। तीर्थ नगरी पुष्कर में संचालित प्रवीण शिक्षा निकेतन का वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह मंगलवार शाम भव्य रंगारंग कार्यक्रमों में पुरस्कार वितरण के साथ कृष्णाधाम में आयोजित किया गया। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों व छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर वहां मौजूद सभी अतिथियों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद शिक्षा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट व उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पार्षद ओम प्रकाश डोलिया, धीरज जादम, टीकम शर्मा, शंभू चौहान, भागचंद दगदी, वैद्यनाथ पाराशर, संजय दगदी, कालू दायमा, अरुण बाबूजी सहित अन्य अतिथियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों का स्कूल के निदेशक हिमांशु कुमावत, रामरतन कुमावत सहित स्कूल के शिक्षकों ने सम्मान किया। इस अवसर पर जूनियर विद्यार्थियों ने सीनियर विद्यार्थियों को विदाई दी। अंत में शाला निदेशक हिमांशु कुमावत ने सभी का आभार जताया। निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा हर वर्ष वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, मगर विगत ये प्रोग्राम उमंग 2019 के नाम से पहले हुआ था 2019 में, बट कोरोना के कारण ये दो साल स्थगित कर दिया गया था। अब 2022 में जबकि सब कुछ ठीक है तो ये वार्षिक उत्सव आयोजन किया गया है, फिर भी कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए हमने ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया है और बच्चों को प्रोत्साहन किया गया। इसमें विदाई समारोह भी रखा गया है बच्चों का और इनको पारितोषिक वितरण भी कार्यक्रम किया गया है।